चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस ने अब फर्जी वोटरों का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 60 लाख फर्जी वोटर होने का दावा किया है। कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है और सबूत पेश किए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कमलनाथ ने बताया कि हमने 100 विधानसभा क्षेत्रों में छानबीन कराई है, जहां 60 लाख फर्जी वोटर की सूची का पता चला है। हमने उनको प्रमाण दिए हैं कि लगभग हमारे अनुमान में 60 लाख मतदाता सूची में नाम फर्जी हैं। हम ये नहीं कह रहे गलत है, हम कह रहे हैं फर्जी हैं और जानबूझ के ये डाले गए हैं, क्योंकि शिकायत हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शिकायत नहीं कर रही, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि ये करवाए गए हैं। ये प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि चुनाव आयोग लापरवाही नहीं है, प्रशासनिक दुरुपयोग है। कांग्रेस ने रविवार को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर राज्य की मतदाता सूची में 60 लाख फर्जी वोटर्स के नाम शामिल कराने का आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। साथ ही राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों की भो मतदाता सूची से इस तरह के सभी नामों को हटाने की अपील की है। फिलहाल चुनाव आयोग ने जाँच के आदेश दिए हैं।